दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 5 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो बगल में फिगर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करना है आपको नंबर फर्स्ट द पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे जो पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर यहाँ पे लिखना है। देन सेकेंड द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जितने भी पेयर अवेलेबल है यहाँ पे आपको लिखना है। एंड देन थर्ड इज द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जितने भी पेयर है आपको यहाँ पे लिखना है। एंड देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो देखिए सपोज ये दो लाइन है, ठीक है, टू लाइन्स, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। सो करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कैसे होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंड ये वाला, ये भी क्या है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड दिस वन दिस वन, ये भी क्या है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड दिस वन दिस वन, ये भी क्या है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको यहाँ पे चार पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं, इन्हीं चारों पेयर को मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। ठीक है, तो इस फिगर को देखिए, यहाँ पे देखिए एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल 4 कॉमा एंगल 8, देन उसके बाद सेमी कॉलम। दूसरा पेयर कौन सा है, सो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 कॉमा एंगल 5, फिर से सेमी कॉलम, एंड देन एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7, और चौथा कौन सा है, सो एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 कॉमा एंगल 6। तो यहाँ पे चार पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, मैंने चारों पेयर को यहाँ पे लिख दिया है। देन सेकेंड इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए अगर मैं यहां पे इसको इरेज करती हूं, करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारा हो गया है, दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इसमें पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, ये होता है। ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर ये वाला है, ठीक है, जिगजैग में जो प्रेजेंट हो, दिस वन एंड दिस वन, ये एक पेयर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, एंड दिस वन दिस वन, ये दूसरा पेयर हो गया। बस यहाँ पे दो ही पेयर हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, तो चलिए दोनों पेयर को यहाँ पे लिख लेती हूँ इस फिगर को देख के, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 कॉमा एंगल 5, दिस इज फर्स्ट पेयर, एंड सेकेंड इज एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 कॉमा एंगल 8, दिस इज योर आंसर। थर्ड इज द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको भी मैं फिगर के द्वारा समझाती हूं। जैसे सपोज ये टू लाइंस हैं, टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स है। देखिए इंटीरियर एंगल है दोनों, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। सो ये पहला पेयर हो गया, और दूसरा पेयर दिस वन एंड दिस वन, ये भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। तो यहाँ पे दो पेयर है, दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सो एंगल 3 एंगल 8, एंगल 3 कॉमा एंगल 8, एंड सेकेंड पेयर इज एंगल 2 एंगल 5, एंगल 2 कॉमा एंगल 5, दिस इज योर आंसर। लास्ट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, सो यहां पे समझते हैं। सबसे पहले जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, ये सपोज कोई पॉइंट है, इस पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो
तो यहां पे दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, एक ये वाला, ये पेयर ऑफ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड देन दिस वन, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पे दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। अब यहां देखिए लाइंस कहां कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहां पे लाइन इंटरसेक्ट हुई है इस पॉइंट पे, और यहां पे लाइन इंटरसेक्ट हुई है इस पॉइंट पे, तो यहां पे भी दो पेयर बनेगा और यहां पे भी दो पेयर बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो चलिए लिख लेते हैं, मतलब टोटल चार पेयर होंगे। सो एंगल वन कॉमा एंगल थ्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, एंड देन एंगल टू एंगल फोर, एंगल टू कॉमा एंगल फोर, दो पेयर लिख लिया। अब दो यहां से लिखिए, एंगल सिक्स एंगल एट, एंगल सिक्स कॉमा एंगल एट, एंड लास्ट इज एंगल फाइव एंगल सेवन। तो यहां पे चार पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, मैंने चारों पेयर यहां पे लिख दिया है, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।